हरे कृष्णा। तो दोस्त, मैं हूं शेखर और मैं आज आपको अपना पिछले साल का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है सारा मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि मैं जैसा मैं समझ रहा हूं कि लोगों का अभी क्या है ना कि उनको किसी का प्रॉफिट देख करके कि P&L दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ। तो मेरे को लगता है कि यार तुम देख के कुछ करोगे नहीं, बस तुम ये समझोगे कि हाँ ठीक है वो है प्रॉफिटेबल या नहीं है जो भी है। लेकिन एक तरह से ये भी एक पॉइंट बनता है कि अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हो, किसी को किसी के बताए रास्ते पे चलना चाहते हो, तो क्या वो सच में उस रास्ता पे खुद चल के प्रॉफिटेबल है या बस वो ज्ञान दे रहा है। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि अपना प्रीवियस ईयर का जो है मैं ग्रीन में हूँ कैसे हूँ वो आपको मैं दिखा दूँ। तो इसके लिए मैंने मोबाइल से वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, मैं अभी वो वीडियो आपको दिखा देता हूँ और आप उसको देखिए, समझिए कि हाँ ये बंदा इस स्ट्रेटजी से कैसे प्रॉफिटेबल है। और यही चीज मैं अपने सारे वीडियो में बताता हूँ कि आपको भी वही काम करना है, मतलब 2,000 रुपया लगा करके सीखना है। अगर ऑप्शन और फ्यूचर सीखना है तो बस यही एक रास्ता है दोस्त, और नहीं तो पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, इसमें 1 साल आपका जाएगा, लेकिन जो लर्निंग आपको मिलेगा ना, मतलब अनबीटेबल है। आपको इतना एक्सपीरियंस होगा चार्ट देख देख करके, चार्ट समझ समझ करके, कि आप सोच नहीं सकते। मैं आज मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको सही लगता है आप आगे बढ़िएगा, मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कॉल कर लीजिएगा, एकदम फ्री है। बस मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएं इससे। मार्केट बहुत बड़ा है, किसी का आप ना मेरा पैसा ले रहे हो ना मैं आपका पैसा ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ सब लोग कमाने के लिए आया है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटेलर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको कमाना है, कमाइए, बस साइकोलॉजी को सही रखिए। तो ये मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ और ये बाजार में अपना पेटीएम मनी, देखिए इसका ऐप बहुत बढ़िया बनाया है, पोर्टल भी बहुत बढ़िया है, रोज कुछ ना कुछ अपडेट ये करते रहता है। तो जैसे इस अकाउंट पे मैं हमेशा से प्रैक्टिस कर रहा था 1 साल से, और चूंकि अब अपना जो ट्रेड है वो मैं दूसरे अकाउंट से करता हूँ, क्योंकि उसका कुछ ब्रोकरेज मेरे पास वापस आ जाता है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये करो, इसका मात्र 15 रुपया ब्रोकरेज है पर ट्रेड। तो इसमें बहुत सारा फीचर्स देखिए आपकी मार्केट का क्या कैसे है, कौन सा सबसे ज़्यादा बाइंग हो रहा है, सबसे ज़्यादा सेलिंग हो, बहुत बढ़िया ये बनाया है। तो देखिए इसमें आप वॉच लिस्ट में भी आप इजीली, मतलब टाइप भी नहीं करने का है, और अब वॉच लिस्ट में आप स्टॉक ऐड कर सकते हो, जो नीचे कॉर्नर में आपका स्वैप टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, उससे चार्ट देखना है, क्लिक करो उसमें उसका चार्ट खुल जाएगा। तो चलो, HCL टेक्नोलॉजी में अपना ब्रेकआउट आया था तो हम लोगों ने एंट्री बनाया हुआ है। तो आप देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 बटन है ना उस पे जाके क्लिक करना है, और वहां से देखिए स्टेटमेंट उसके नीचे में है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए ये जो है आपका पूरा इस फाइनेंशियल ईयर का ओवरऑल प्रॉफिट है, और ये आपका मंथली, 3 मंथ, ऐसे ऐसे करके। तो आपको पता है कि मैं इसमें निफ्टी का ETF में ट्रेड कर रहा था, और बैंक निफ्टी का ETF में जो अपना सही लग रहा था उसमें ट्रेड कर रहा था। तो उसमें प्रॉफिट होता है तो वही 20 रुपया के आसपास, 18 रुपया के आसपास, और लॉस होता है तो 8 रुपया के आसपास। तो उस बेसिस पे आप चेक करके देखो कि क्या मतलब बढ़िया प्रॉफिट है। और इस देखिए फाइनेंशियल इसमें मैं जो स्ट्रेटजी बताया हूँ कि ऑप्शन और फ्यूचर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसको पकड़ना होता है कि कितना पॉइंट कहाँ से एंट्री किया जाए, तो कितना पॉइंट ऊपर जाता है, कितना पॉइंट नीचे जाता है। अगर पुट में है तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर में कितना पॉइंट होगा, और जो मैं जैसे मेरा 2 ही सेटअप है, मैं एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ और साथ में मल्टी कंफर्मेशन चाहिए, एक और या तो वॉल्यूम से मिल जाए या फिर फिबोनाकी से मिल जाए, तो 2 उधर हो गया। और एक है डिमांड जोन का ट्रेड, मेरा सबसे अच्छा जाता है, मतलब सबसे अच्छा जाता है ट्रेंड लाइन का, उसके बाद डिमांड जोन का ट्रेड, फिर पैटर्न बनता है, तो वो सब अलग चीज़ है, प्राइस एक्शन का पार्ट है। तो प्योर प्राइस एक्शन अगर सीखना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसी से ये संभव हो पाया, 1 साल में मैं वहीं से ये प्रॉफिट बना पाया। जब मेरा बड़ा बड़ा लॉस हो रहा था तो मैं खुद पे काम करना शुरू किया कि क्यों ऐसा, क्यों आखिर हो रहा है भाई। ठीक है, और ये पूरा डेली का खुद का पेशेंस का, मतलब एक तरह से कहो कि चेक होता है
कि सामने आपको दिख रहा है कि अच्छा ट्रेड है, आपके अकाउंट में पैसा भी है, लेकिन आप ट्रेड नहीं लेते हो। खुद को होल्ड करना, पेशेंस वहां से आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ 2,000 रुपया अपना बैंक अकाउंट में रखना है, डीमैट अकाउंट में रखना है। उसके बाद उस अकाउंट से सिर्फ निफ्टी का बीज, बैंक बीज, ईटीएफ, निपॉन का जो ईटीएफ है उस पे आपको ट्रेड प्रैक्टिस करना है। या तो आप 50 क्वांटिटी में करो, 20 क्वांटिटी में करो, दैट इज अप टू यू। वो कंप्लीटली आपको अपना रिस्क समझ के करना है, आपको अपना रिवार्ड देख लेना है कि हाँ इतना से हो जाएगा। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि एक कोई वैसा ब्रोकर चुनो, जैसे अगर इस वीडियो में लिंक दिया हुआ है पेटीएम मनी का, पेटीएम मनी से अगर आप ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया है, ठीक है? तो एक तो आपको 20 रुपया से ज़्यादा लॉस होने नहीं जा रहा है, इधर बहुत होगा 10 रुपया 12 रुपया इसी तरह का लॉस होगा अगर 20 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आपको 40-50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, जो भी आपका स्ट्रेटजी कहता है उतना से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है? तो एक बार इसको ट्राई करके देखिए, अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं तो उस स्ट्रेटजी को लिख लीजिए कि कब ये किस टाइम में वर्क करता है, किस टाइम का ट्रेड इस पे जो मिलता है वो अच्छा होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मॉर्निंग ट्रेड ज़्यादा अच्छा मिलता है, दोपहर में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होता है 70% डेज में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। जल्दी से टारगेट कब हिट होता है कि लास्ट आवर में जल्दी से टारगेट हिट होता है, तो वो सब चीज़ को आपको समझना है कि कहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी काम करता है, उसको प्रॉपर हाथ से लिखना है एक डायरी में। और जैसा आप देखे हैं कि प्रॉफिटेबल है, 1 साल में मैं प्रॉफिट में रहा, निफ्टी का ईटीएफ में ट्रेड करके अपना स्ट्रेटजी बिल्ड किया 1 साल में, 1 साल में प्राइस एक्शन का इतना समझ आ गया कि अब कैंडल देख के अनुमान लग जाता है। और ये है भी प्रोबेबिलिटी का गेम है, जो ट्रेडिंग है ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें आप संभावना है, मार्क डगलस का बुक में ये बताया हुआ है कि हर एक ट्रेड जो है अपने पीछे वाले ट्रेड से डिफरेंट है। तो इस चीज को समझ करके आपको आगे का काम करना है। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसमें पेटीएम मनी का जो लिंक दिया गया है उससे अपना अकाउंट खोलते हो तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कोई वेबिनार होता है जो बॉम्बे से जो बड़े बड़े ट्रेनर हैं उनसे वेबिनार पेटीएम करवाएगी, तो उसमें मैं डायरेक्टली आपको इनरोल करा दूंगा। प्लस कुछ चार्ट्स मैं शेयर करते रहता हूँ, तो वो चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कभी कोई प्रॉब्लम होता है अकाउंट से रिलेटेड तो उसके लिए हम लोगों के पास एक मैनेजर दिए गए हैं, डेडिकेटेड मैनेजर हैं, उनको आप कॉल करके, मैं कॉल करके उनसे आपका सॉर्ट आउट करवा सकता हूँ। तो ये सब फैसिलिटी है, और इससे मेरे को क्या फ़ायदा है कि एक मेरा टीम बड़ा बनते जाएगा, प्लस आप जो ट्रेड करते हो तो कहीं भी आपका ब्रोकरेज जाता है, यहाँ आप डायरेक्टली कंपनी को दे देते हो। यहाँ एक तो ब्रोकरेज कम लग रहा है, इसमें से 10% के आसपास ब्रोकरेज हमारे पास आएगा, और जो हमारे पास ब्रोकरेज आएगा तो उसमें से आप ये मत समझना कि वो मेरा पर्सनल प्रॉफिट है, वो समझो मैं थोड़ा सा एनजीओ वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, ठीक है? मेरा ऑलरेडी 3 बिजनेस है जो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है? तो इससे जो भी ब्रोकरेज आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आना नहीं है, 3 रुपया 2 रुपया ऐसे करके कट छट के आता है, तो आप अगर महीने का 100 ट्रेड भी करते हो तो 250 से 300 का आपका ब्रोकरेज इधर आएगा, जो कम्प्लीटली लंगर सेवा के लिए आपका ब्रोकरेज जाएगा। तो मैं आपसे एक, मैं खुल के बोलता हूँ आपसे कि हाँ 10% के आसपास कुछ ब्रोकरेज आता है अगर मेरे लिंक से आप अकाउंट खोलते हो तो वो समझो कि इनडायरेक्टली आप सेवा कर रहे हो दोस्त। तो एक रिक्वेस्ट है, अरेज है, और दूसरे में कि इसका टर्मिनल देखोगे, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि पेटीएम मनी का धीरे धीरे इसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सारा कुछ इतना अपडेट कर दिया है खुद को कि फिर आपको मनी कंट्रोल देखने का भी इच्छा नहीं होगा। सारा कुछ इसमें है, फॉरेन का कौन सा मार्केट का क्या हो रहा है, कहाँ क्या, सब कुछ एक ऐप में दे दिया है जो समझने के लिए। या फिर जैसे कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ब्रोकर है जो सबसे फेमस है, उसमें आप देखते हो तो वॉच लिस्ट में आप ऐड करो। इसमें क्या किया है कि निफ्टी 50 का आप टॉप गेनर्स कौन है, निफ्टी 100 का टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन सा है, सबसे ज़्यादा बाइंग किस में हुआ है, ये सब चीज़ आपको देखने के लिए फ्री में मिल जाएगा। प्लस म्यूचुअल फंड वगैरह भी ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लिंक से अपना अकाउंट खोल के और निफ्टी ETF पे प्रैक्टिस करो और खुद को प्रॉफिटेबल बनाओ। तो चलिए
जैसा होता है। अब मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई सही है स्ट्रेटजी, और अच्छे से बताओ तो और मैं बताऊंगा। ठीक है, हरे कृष्णा।